हरियाणा में बीजेपी जहां जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाने में जुटी हुई है, तो कांग्रेस भी अब लंबे अंतराल के बाद कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बड़ा रोड मैप चुनावों को देखते हुए पार्टी तैयार कर रही है, ताकि फिर से लंबे अरसे बाद पार्टी राज्य की कमान और बागडोर को संभाल सके। फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पार्टी की जन आक्रोश रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत तमाम नेता भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने साल 2024 के चुनावों में जीत की ताल ठोक दी। लोग मन बना चुके हैं कि अगली सरकार कांग्रेस सरकार की बनाएंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार से हर वर्ग विमुख है। जो आज जिस मौसम था, बारिश के बावजूद इतनी हाजिरी थी, ये एक साफ संकेत है। आज क्या था, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत थी। आज इतनी भारी जनसभा, ये उसी तो चुनाव की तैयारी है और क्या है। जहाँ हुड्डा खेमा अपनी ओर से पार्टी को मजबूती देने में जुटा हुआ है, तो वही पार्टी का दूसरा खेमा भी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहा है कि कांग्रेस को मजबूत कर सके। एसआरके गुट भी राज्य के हर कोने में जाकर लोगों के बीच पार्टी को मजबूती देने में जुटा हुआ है। हालांकि गुटबाजी की ये तस्वीरें भी आम लोगों तक पहुंच रही हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि अभी भी पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। वही बीजेपी के नेता भी कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी और सांसद संजय भाटिया ने कांग्रेस पर तंज कसा कि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ मनोहर लाल जी ने जो बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश का काम किया है, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का सरकार बनने के बाद क्षेत्रवाद पनपता था, जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पनपता था, जिस प्रकार से परिवारवाद पनपता था, आज भी कांग्रेस परिवारवाद के मोह के अंदर उलझी हुई है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति को भुगतना पड़ता था, कहीं ना कहीं प्रदेश के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको भुगतना पड़ता था। ये कौन से वाले निकाल रहे हैं संदेश यात्रा, ये कई ग्रुप है ना कांग्रेस एसआर क्या, वही मैंने कहा कोई बात कहता हूँ, थोड़ा बाहर में यात्राओं की बजाय ना बंद कमरे में बैठ के पहले अपने मन जोड़ लें। इनका इतने ज्यादा डिफरेंसेस हो चुके हैं, एक दूसरे से ही कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई मैं बेहतर हूं। मैं विद इन कांग्रेस उनका कंपटीशन है कि बेहतर कौन है, वो अभी तो वही डिसाइड करने में लगे। फील्ड में लोगों के मामले में तो बाद में आएंगे, जन समस्याओं में तो बाद में आएंगे, नहीं उनका तो फर्ज बनता भी, वो क्या करें। पिछली बार भी मन से तो हार ही गए थे, आदों ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा उनके, आपके खुद करनाल में ही चुनाव नहीं लड़ा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो मन से तो पिछली बार हार गए थे। अभी कोशिश तो कर रहे हैं मन को मजबूत करने का, देखो क्या रहता है, वो कांग्रेस का ही है उनका तो। हरियाणा में कांग्रेस भी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन पार्टी दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पर सफाई भी पार्टी के नेता देते हुए दिख रही है कि पार्टी को हर कोई अपने तरीके से मजबूत करने में जुटा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता पर संदेश यात्रा का कितना असर दिखेगा और क्या संदेश लोगों में पार्टी का पहुंचेगा, ये चुनावों में साफ हो जाएगा। फरीदाबाद से दीपक गौतम, कुरुक्षेत्र से अशोक यादव और कैथल से वीरेंद्रपुरी की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।